हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त राहुल, आप देख रहे हैं फिश एक्वेरियम हॉबी। आज हम बात करेंगे टॉय की, टॉय एक्वेरियम में ज़रूरी है या नहीं, और ज़रूरी है तो कितने ज़रूरी हैं। अभी आपने देखा था मेरी पिछली वीडियो में, हमने पहले एक्वेरियम साफ़ करा था तो उसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई, आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक देख सकते हैं। उसके बाद हमने टॉप फिल्टर का स्पंज चेंज करा था, उसके बाद से हमने इसमें कोई डेकोरेशन की ट्री या कुछ भी ऐसा नहीं लगाया आपको दिखाने के लिए कि हम वो कैसे करेंगे और हम इसमें क्या अभी नया ऐड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्वेरियम के लिए एक टॉय लेकर आया हूँ। हमारे पहली चीज़ फ्रेंड्स, एक्वेरियम में टॉय हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर ऐसे टॉय जिसमें हिडन पैलेस हो, जिसमें छुपने की जगह हो। क्योंकि क्या होता है, जब भी देखिए आपके पास कोई भी फिश रखें, अगर कोई भी फिश नहीं आती है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले वो हाइडिंग प्लेस ढूंढती है। उस एटमोसफेयर में नॉर्मल होने के लिए वो मछली कोई छुपने की जगह ढूंढती है, जिससे वो धीरे धीरे अपने एटमोसफेयर में उसमें घुल मिल जाती है। या कोई बड़ी मछली किसी छोटी मछली को अगर परेशान कर रही है तो उस हाइडिंग प्लेस का सहारा लेती है कि उसे छुपने के लिए, कि जब नई नई फिशें आती हैं तो आपस में वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। कोई कोई फिश उसे पिंच को पूंछ को पिंच करती है, जैसे कि एंजल है, मेरी एंजल फिश है, ये पूंछ गोल्डफिश की पूंछ को बाइट करती है। शुरू में जब मैं शुरू में लाया था तो पूंछ को बाइट करती थी। अब ये कुछ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मेरी गोल्डफिश और इनके साथ नहीं है, क्योंकि मैंने इसके साथ हाइडिंग प्लेस रखा था। हाइडिंग प्लेस के लिए टॉय रखा हुआ था, जिसमें अगर किसी को कोई मछली कोई अगर परेशानी होती थी तो वो उस हाइडिंग प्लेस में जाके छुप जाती थी, और जब तक वो अपने आप को नॉर्मल नहीं करती थी वो बाहर नहीं आती थी। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि मैं क्या लाया हूँ अपने एक्वेरियम के लिए हाइडिंग प्लेस। देखिए, हम ये शिप लेके आए हैं हाइडिंग प्लेस के लिए। इसमें काफ़ी सारे हाइडिंग प्लेस के लिए जगह है। देखिए आप, ये मछली इसमें कहीं कहीं भी छुप सकती है, बहुत कुछ भी कर सकती है। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि आप टॉय ऐसा लगाएं कि जिसमें हाइडिंग प्लेस हो। ऐसा नहीं कोई सिंगरी टाइप का या कुछ ऐसा, कोशिश करिए कि आप हाइडिंग प्लेस जैसा कुछ ले लें कि इसमें आपकी अगर मछली कोई खाना नहीं खा रही है या नहीं आई है या कुछ भी है तो उस हाइडिंग प्लेस में छुप सके। इससे क्या है, मैं इसमें डालता हूँ अपने एक्वेरियम में। इस हाइडिंग प्लेस से हमें क्या बेनिफिट है फ्रेंड, इस हाइडिंग प्लेस से हमें एक मिनट, इस हाइडिंग प्लेस को रखने से ये फायदा है फ्रेंड्स कि हम इसे रखेंगे, एक तो एक्वेरियम का नॉर्मल जो हमारी डेकोरेशन है वो थोड़ी अच्छी लगेगी, और हमारी अगर फिश को किसी को कोई परेशानी है तो वो आके हाइडिंग प्लेस में छुप सकती है, या अपना खाना खाने के बाद अंधेरे में जा सकती है। या मतलब इसमें आपको ये हो सकता है कि जैसे आप लाइट जलाते हैं तो भी आपके हाइडिंग प्लेस में अंधेरा ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस टाइम लाइट जला रखी है, मगर जो इसके हाइडिंग प्लेस है देखिए उनके अंदर भी अंधेरा ही है। तो इसलिए ये जरूरी होता है फिशों के लिए, एक्वेरियम के लिए, कि आप ऐसा हाइडिंग प्लेस वाला कुछ जरूर लाके अपने एक्वेरियम में रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय दिस वीडियो।